देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पिछले एक साल तो लगातार कोरोना काल दे विच स्कूल फीसां नूं लैके लगातार पेरेंट्स एसोसीएशन स्कूलों के विरुद्ध संघर्ष विड़िया होया ते हुण नवा सैशन शुरू होने तो बाद भी ये जिहड़ा संघर्ष है लगातार चलता जा रहा। अज लुधियाणा दे विच 22 जिलों की पेरेंट्स एसोसीएशन के नुमाइंदे इकट्ठे हुए हैं, गलबात कर लैंदे आ कि हुण अगला जिहड़ी कार्रवाई है किस तरह की जाएगी। नवा सैशन शुरू हो चुका है जी, पिछले एक साल तो लगातार तुसीं स्कूलों के विरुद्ध जिहड़ी हैगी अपनी मंगां नूं लैके हाई कोर्ट तक तां गए हो, पर हुण नवीं कार्रवाई की करन जा रहे हो? देखो जी, नवा सैशन स्टार्ट हो रहा, फिर उही प्राइवेट स्कूलों की एक ही पॉलिसी होंदी है जी कि नवा सैशन स्टार्ट होना, एडमिशन लै लो, फीसा लै लो, क्वार्टरली फीसा लो, उन्हों का मेन मोटिव होंदा प्रॉफिट और कमाई मोटी इन्हों होंदी ही नवे सैशन स्टार्टिंग चाहे चाहे वह एडमिशन तो हो चाहे वह बुक्स तो हो तो सो उन्होंने करके अज प्राइवेट स्कूलों दी एसोसीएशन ने एक सरकार नाल मिलके, असी खुद कहांगे सरकार नाल मिलके, ये सरकार एक साजिश कर रही है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की एसोसीएशन में मैनू लगता यह गल कही है कि तुसी एजिटेशन करो, साढ़े ते प्रेशर बनाने की कोशिश करो ता कि सानू जनता नू यह कहने सौख हो जाए कि साढ़े ते बहुत प्रेशर सी जी, असी तां स्कूल तां खोले ने। सो असी पहले तो यह कंडेम करते हैं कि बिल्कुल भी स्कूलों नू ना खोलिया जाए, करोना की स्थिति जी बहुत नाजुक है जी और उदे च पहले नालों पीक नालों हुण उस तो ज़्यादा केसिस आ रहे हैं। हिमाचल की उदाहरण साढ़े सामने पई है जी, मतलब 120 तो ज़्यादा बच्चे करोना पॉजिटिव हो जाते हैं स्कूल के जी। हुण स्कूलों की दलील की है कि जी मॉल खुल जाते हैं, सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, बच्चे उन्होंने नाल जाते हैं, उत्थे जा सकते हैं, स्कूल क्यों नहीं आते? देखो जी, असं साफ कहने जिमें साडे साथियों ने दस्या कि मॉल्स विआह च या शादी असं जाने तो बच्चों के नाल उन्होंने माँ बाप होंगे और उन्होंने टेक केयर कर सकते हैं। सो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए साड़ी पंजाब सरकार को बेनती है भी किसी भी दबाव आए तो बिना अज 22 जिले दियां पेरेंट्स एसोसीएशन एक मत हो के पंजाब सरकार नू जे प्राइवेट स्कूल वाले चेतावनी दे सकते हैं ना कि असी खोलांगे तो फिर 22 जिले दियां एसोसीएशन पेरेंट्स एसोसीएशन पंजाब सरकार नू ये चेतावनी भी देणगियां और प्राइवेट स्कूलों की एसोसीएशन चेतावनी देणगियां जे तुसीं खोलांगे तो असी बंद करवाउण दा भी वादा रखते हैं जी। तुहाडा फिर जे हुण आने वाले दिनों दे विच सरकार वल्लों फैसला लिता जांदा ते तुहाडी हुण अगली कार्रवाई तुसीं बंद कराओगे स्कूल जे स्कूल खुलदे ने? देखो जी, बंद करवाउण असी सरकार दी वल देख रहे हैं, सरकार रिव्यू कर रही है इन चीज़ों। सेंटर सरकार दे कल के परसों ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहता कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना खोले जाण जी, अगले हुकमां तक ना खोले जाण। और उस तो अगे जाके सेंटर ने की किया, 3 स्टेटां च अपनी स्पैशल टीमां भेजियां ने कि उत्थे दी कोरोना की पोजिशन चैक किया जाए। सो असी पंजाब सरकार तो यह उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने पहला भी पेरेंट्स के हक से फैसला लिया, 31 तरीक तक बंद किया, उस तो बाद 10 तक का बंद किया और अगले हुक्मों तक जरूर इस चीज़ को ध्यान रखते हुए स्कूलों को बंद ही रखूगी और ऑनलाइन क्लास भी प्रमोट करूगी। पेरेंट्स का तो बच्चों की सेहत का जिमें सिंगला साहब ने कहा कि पाए पाए उन्होंने इतफाक नहीं रखते उन्होंने बाकी रावों, लेकिन कल उन्होंने एक चंगा बयान दिता कि असी लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते, बच्चों की सेहत नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते, उन्होंने जान का जोखिम नहीं लै सकते, इस करके स्कूलों को बंद किया और उम्मीद करते हैं अगे भी वह स्कूलों बंद ही रखेंगे तो अगले हुकूमत तक। फीसा लैके भी लगातार जोड़ा है तो ऑब्जैक्शन है, हूँ फीसा लैके तो की स्थिति है, सरकार तो फीस में लैके की मांग है? सर, सरकार तो साड़ी मंग बहुत ही पहला तो सी कि जेकर पढ़ाई सर्विस साढ़े को पहुँच ही नहीं रही हैगी तो असी उस चीज़ के पैसे क्यों दईए, तो ज़्यादा क्यों दईए, घट क्यों ना दईए, क्योंकि स्कूल बंद ने ते बच्चे घरे ही बैठे ने, इलैक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सारा कुछ बच्चा घर का ही इस्तेमाल कर रहा है, तो फीसा जिन्नियां फीसा पहला रखिया गई सीगियां महीने दियां उन्होंने अद्धियां किया जाए, अद्धी फीस वसूलन वह भी उदो जो स्कूल खुल जाएंगे प्रॉपरली। हाले तुसी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हो, तुसी दिंदे रहो ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि 9वीं तो 12वीं तक के बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटे बच्चे ने, छोटे बच्चे तो असी वैसे ही मोबाइलों के मूहरे कंप्यूटर के मूहरे नहीं बिठा सकते, तो इस करके ट्यूशन फीस जेकर फीसा लैन दे लई तुसी ये सारा कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ ये तुसी ना करो, क्योंकि साढ़े पंजाब के 22 जिले के मापिया ने मिल के फैसला लिता है कि असी जेड़ी जायज़ बनती फीस होगी असी उ देवे। सुप्रीम कोर्ट को वालों भी एक फैसला लिता गया वा पेरेंट्स के हक के कि कोई भी स्कूल जोड़ा है अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, इसको लैके पंजाब सरकार के रवैये किस तरह देखते हो? ब्लैकमेलिंग,
पहले मापियां नूं ब्लैकमेल किया स्कूलों वाले ने माफिया बन के माफिया कन की पुरपड़ी से रिवालवर रख के पैसे मंगता हों मेरे बच्चे की वट्सएप के उत्ते किसी होर एप्लीकेशन के उत्ते रिवालवर रख दे तेरे बच्चे कढ़ देगा नहीं तो इन्ने पैसे दे पहले सानू ब्लैकमेल किया हूँ यह ज़्यादा चलाक बनते 12 तरीक न सरकार को ब्लैकमेल करने की प्लानिंग है कि स्कूल खोलेंगे 12 तरीक न मैं समझता यह स्कूल एसोसीएशन ब्लैकमेल नहीं करती सरकार की मिली भुगत खिचड़ी पकाई जा रही है कि दबाव बनाओ तो स्कूल खोलेंगे खोल लो अपनी दुकाना जो तुम पिछले महीने खोले से फरवरी उदो स्कूल खोल के साथ 5% भी हाजिरी है नहीं जी असी गाहक है थोड़े 20 लाख बच्चे पंजाब के तुम हैं दुकानदार तुम भ्रिष्ट व्यापारी हैं लालची व्यापारी हैं अपनी दुकाना खोलना चाहते हैं खोलो अपनी दुकाना असं गाहक बन के नहीं जाना थोड़ी दुकाना वैसे ही बंद हो दूजी गल जे अध्यापक है साढ़े बच्चों के गुरु हैं जिहड़े साढ़े भैन भरा हो जिहड़े बसां चलाने ते होर सारा स्टाफ है असीं उन्हां दी सैलरी देण नूं तैयार हैं ये स्कूल एसोसीएशन वाले अपनी बैलेंस शीटां ते बैंक खाते दिखाण दसण के डुब गए असीं साढ़े कोल पैसे है नहीं असीं उन्हां दे सारे स्टाफ की सैलरी देण नूं तैयार है स्कूल भावें बंद भावें खुले होण जी बिल्कुल असीं पंजाब दे 22 जिलों के पेरेंट्स एसोसीएशन के नुमाइंदे जिन्हां दा साफ कहना है कि स्कूलों नूं किसी भी हालत दे विच खोलना नहीं चाहिए जे स्कूल वाले अपनी जबरदस्ती स्कूल खोलने के कामयाब होंगे ने तो वह स्कूल बंद कराएंगे तो सीधी सीधी चेतावनियां पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूल वालों देंदे नज़र आ रहे हैं पेरेंट्स एसोसीएशन के नुमाइंदे कैमरामैन रोहित दे नाल विवेक टा दैनिक सवेरा टीवी लुधियाना All World Open Challenge 17 time gold medalist Mian Rafiq Mohammed Pandit Maulvi Begum Tantrik inna chora thagga to savdan specialist Vashikaran satta number love marriage pati patni ch anban videsh ch pakka hona karobar da na chalna sirf 31 ghantiyan vich samadhan free Mian Rafiq Mohammed mobile 84374 94647 84374 94648 पंडित राधे शर्मा चमत्कार होंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाहा प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तन मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा मोबाइल 98 788 045 85 88 38 617